यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू गेम प्ले वीडियो। तो गाइस हम फिर से खेलने वाले GTA 5। तो जैसा कि आपने हमारी स्टीलिंग सीरीज के पिछले एपिसोड में देखा था कि हमने चुराई थी एक शोरूम से सारी लैम्बोर्गिनी। उसके बाद गाइस काफ़ी खतरनाक सीन हो गया था, पुलिस वगैरह पड़ गई थी, बट हम जैसे तैसे बच के निकल गए थे। और आप लोगों से मैंने कही थी आप लोग हमारे बॉस का नाम गैस करो, तो आपने गैस कर लिया था काफ़ी लोगों ने। तो गाइस हमारे बॉस का नाम है लेस्टर, और मैंने मास्क वगैरह हटा दिए क्योंकि माइकल और फ्रैंकलिन ही अब तक सारी गाड़ियां चुराते आए हैं, क्योंकि उन्हें माइकल ने अभी अपना नया शोरूम खोला था, उसके लिए हमें गाड़ियां चाहिए थी और हमने अपने क्लाइंट्स को बेच भी दी काफ़ी सारी गाड़ी। और उसके बाद आज लेस्टर ने मुझसे कही है कि यहाँ पर नया एक शोरूम खुला है फॉर्च्यूनर का, इसलिए मैं आज इस टावर पर खड़ा हूँ उसके सामने वाले। तो ये देखो नीचे आपको कार दिख ही रही होंगी, नहीं तो आपको मैं अभी जूम करके दिखा दे रहा हूँ। पहले अपनी स्नाइपर निकाल लूँ यार, या छोड़ो आपको दिख ही रही है, वो ब्लैक कलर की कार है। तो फटाफट जंप करते हैं यहाँ से, सीधा लैंड करेंगे शोरूम के पास। तो भाई लैंड कर जंप कर दिया मैंने, और पैराशूट भाई अटक गया यहाँ पे। ओ भाई सब नीचे ना गिर जाऊँ गाइस फटाफट। ऑलराइट गाइस यहाँ पे जंप कर लिया मैंने, और अब यहाँ से फटाफट नीचे चलते हैं। तो गाइस यहाँ से भी जंप मार ली, और इधर से जंप मारनी है, और यहाँ से भी नीचे जाना है। देखो सामने गाड़ियाँ दिख तो रही हैं यार, लेकिन साफ साफ नहीं दिख रही, बट यहाँ से भी जंप मारनी है, परफेक्ट जंप हो जाए, नहीं तो गाइस वाह सीधा झाड़ियों में गिर गया। गाइस कोई दिक्कत नहीं, अब भाई खून निकल आया, दिक्कत तो हो जाएगी ज़्यादा निकल आएगा। तो कोई नहीं गाइस, अब सीधा अंदर चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ पहले बाहर वाली सारी फॉर्च्यूनर लेके गायब हो जाऊँ, भाई लॉक खुला होगा तो गाइस ज़रूर लेके जाऊँगा मैं, अगर लॉक नहीं खुला होगा तो कुछ तो तिकड़म बैठानी पड़ेगी तुम्हारे भाई को। तो फटाफट चलते हैं सीधा, भाई यार इस देव ने बड़ा परेशान कर रखा है। तो गाइस सीधा यहाँ पर देखते, भाई यहाँ तो मैनेजर खड़ा कर रखा है उन्होंने, बस इतना सही शोरूम है क्या फॉर्च्यूनर का? पता चलिए टोयोटा के अंदर सुपरा उपरा खड़ी है। तो भाई यहाँ पे तो फॉर्च्यूनर खड़ी है, वो कह रहा अंदर जाके बात करो, ठीक है अंदर चल। ओ नहीं यहाँ पे देखो भाई लेजेंडरी लेजेंडर खड़ी है, एक ब्लैक वाइट, भाई साहब और भी कलर है अंदर। तो गाइस फटाफट चलते हैं अंदर और बात करते हैं मैनेजर से, क्या कहता मैनेजर और क्या प्राइस बताता है। तो हेलो मैनेजर, मेरे को ये वाइट और ब्लैक फॉर्च्यूनर दोनों खरीदनी है। सर आपको दोनों खरीदनी है, ठीक है आपको मिल जाएगी, इनका प्राइस है $1000 एक कार का। भाई साहब ये तो कुछ ज़्यादा ही बता रहा है। तो ये वाली येलो वाली कितने में मिलेगी भाई, मेरे को टेस्ट ड्राइव चाहिए इसकी। तो फटाफट गाइस इससे बात करता हूँ, सीधा गाड़ी लेके निकलता हूँ, पहले बैठ जाते हैं गाड़ी में, येलो वाली टेस्ट करते हैं क्योंकि ब्लैक वाली तो देगा नहीं। तो गाइस इससे बात हो चुकी है, और ये कह रहा आप येल्लो वाली ले जा सकते हो क्योंकि ब्लैक वाली अभी बुक है। तो पहले यूँ कह रहा कि आप बाहर जो गाड़ी खड़ी है एक बार उसकी टेस्ट ड्राइव ले लो, अगर आपने वो ढंग से चला ली तब ये अंदर वाली कार देगा। तो फटाफट इससे बात करते हैं इधर वाले मैनेजर से। तो हेलो मैनेजर, अंदर से परमिशन मिल चुकी है, लाओ कीज़ दो। तो गाइस इसने कीज़ दे दिया, उसने कही है सेकंड वाली फॉर्च्यूनर जो खड़ी है ये वाली ले जा सकते हो, बाकी सब लॉक्ड है और बुकड है किसी के लिए, इसलिए आप नहीं ले जा सकते। तो गाइस फटाफट यहाँ से कार को निकालता हूँ, हो सकता है मैनेजर भी हमारे संग चले। पहले बैक कर लेता हूँ ये कार को, तो वह भाई हट जा। तो गाइस जैसा कि मैंने कही थी मैनेजर भी जा ही रहा है हमारे संग, तो फटाफट चलते हैं गाइस यहाँ से इसको लेके। और आप लोग क्या सोच रहे हो मैं सच्ची में टेस्ट ड्राइव करने जा रहा हूँ, अभी देखो तो सही होता है क्या आगे। बेटा आज तो मैनेजर या तो तू गाड़ी देगा मेरे को या तो खुद जाएगा। तो पहले मेरे को इसके लिए मारने के लिए भाई कोई सुनसान सी जगह ढूंढनी है जहाँ पे कोई देखे ना मेरे को। ये जो सामने पार्किंग सी दिख रही है इसी में ले जाके इसका गेम देख ना भाई, रेड लाइट, अच्छा पेडेस्ट्रियन के लिए हो रखी है, मैं कह रहा भाई रेड लाइट पर भगा रहे हैं पुलिस वाले कहाँ गए जाके। तो गाइस ये पार्किंग सी है और यहाँ पे एक सुनसान सा रास्ता, भाई इधर कोई भी नहीं आ रहा। तो फटाफट गाड़ी से उतरते हैं और इस मैनेजर को भी उतारते हैं कि मैनेजर साहब ज़रा नीचे उतरो, तुमसे कुछ बात करनी है। ऑलराइट गाइस फटाफट नीचे उतार दिया इस मैनेजर को भी, अब इसको लास्ट वार्निंग देते हैं, ये कार दे दो मेरे को नहीं तो तुम मारे जाओगे। तो भाई इससे बात हो चुकी है गाइस, तो ये कह रहा है कि नहीं आपको ये कार नहीं दूंगा मैं, मेरी जॉब जा सकती है। तो भाई अब तुम जॉब से नहीं जान से ही जाओगे। और ये साइलेंसर वाली पिस्टल से मैंने फायर कर दिया और इसका भी गेम बजा दिया, भाई किसी ने देखा नहीं हो सकता। अच्छा है गाइस तो फटाफट यहाँ से अपनी लेजेंडर को लेकर निकलता हूँ, भाई ब्लैक कलर की क्या माफिया कार लग रही है एकदम। वैसे माइकल तो है एक बहुत बड़ा माफिया, बट अभी उसने इतना बड़ा काम नहीं करा भाई, पुलिस का सीन नहीं होना चाहिए गाइस, क्योंकि अभी अभी माइकल बाहर निकला। तो सीधा पहुँचता हूँ मैं घर पर अपनी कार को भगा के। तो ऑल राइट गाइस अपनी लेजेंडर को भगाते हुए मैं पहुँच चुका हूँ घर के पीछे वाले रास्ते पे, और सीधा चल के इसके गैराज में पार्क करते हैं। अरे हटा लो भैया, 2 रुपये की गाड़ी लेके घूम रहे हो, ठुक नहीं 2 रुपये की नहीं भाई, इससे भी महंगी है, कन्वर्टेबल कार है। अरे हट जाओ भैया, गेट खुल गया। तो गाइस चलते हैं फटाफट अंदर और पार्क करते हैं, और अब अपने को सारी गाड़ियाँ लेके आनी है एक एक करके।
भाई इतना बड़ा तो अपना गैराज भी नहीं है, दो फॉर्च्यूनर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और भाई साहब तो क्या इस फटाफट पार्क कर दिया, इस बार इसका इंटीरियर चेक कर सकते हो आप, क्या मस्त इंटीरियर है। फटाफट पार्क करते और चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। हो अब मैं देख रहा हूँ क्या लेके जाऊँ, अपनी ये वाली गाड़ी लेके चला जा रहा हूँ भाई, ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है और फॉर्च्यूनर के आगे तो क्या ही है, फ्री की फॉर्च्यूनर मिल गई और इसको वहीं पार्क कर देंगे आसपास और सीधा मिलता हूँ आपसे शोरूम पे। तो ऑल राइट गाइस, फटाफट अपनी कार को भगाते हुए मैं पहुँच चुका हूँ, ज़्यादा दूर भी नहीं था अपने घर से, उस मैनेजर को शक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पार्क कर देता हूँ अपनी कार को, और वो पूछेगा तो भाई उसको जवाब देने के में हम तो माहिर हैं, हमने पिछली बार भी तो बहाने बना के गाड़ी चुराई थी सारी। तो गाइस फटाफट चलते हैं अंदर, अरे भाई यहाँ पर कोई गलत सीन ना हो जाए पुलिस वगैरह का, जेल नहीं जाने का माइकल को दोबारा, जैसे तैसे वहाँ से भाई ट्रैवल छुड़ा के लाया था, क्या क्या करना पड़ा उसके लिए। ऑल राइट गाइस, इससे बात करते हैं कि यार ये बंदा कितना परेशान करता फ़ोन कर करके। तो भाई ये पूछ रहा है कि हमारा दूसरा वाला मैनेजर और कार कहाँ है, तो मैंने कह दिया इससे कि वो थोड़ी बहुत डैमेज हो गई थी तो मैनेजर साहब उसको सही कराने के लिए ले गए हैं, इसलिए तो आप मुझे अब येल्लो वाली तो टेस्ट करा दो, मेरे से डैमेज नहीं हुई मैनेजर से डैमेज हुई थी, तो ये मान चुका है। और उनका फ़ोन टूट गया था उसी एक्सीडेंट पे, इसी चक्कर में तो गाड़ी डैमेज हुई। तो गाइस अब फटाफट ये येल्लो वाली कार को लेकर चलते हैं यहाँ से, निकालते बाहर और इस मैनेजर से कहते हैं तुम ही चल लो हमारे संग, इसका भी गेम बजा ही देंगे चुपचाप। इसके लिए भी भाई कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी, बैठ आ जा भाई, ये कह रहा आप गाड़ी में बैठो, मैं अपना पेपर वगैरह लेके चलता हूँ और फिर गाड़ी आपको वहीं से डिलीवर कर दूंगा, मैं आ जाऊँगा शोरूम पर। भाई निकाल चुके हम बाहर, क्या मस्त लग रही है, एक बार देखो भाई लेजेंडर अलग ही है, असली में भी यार ड्रीम कार होती है बहुत से लोगों की। आप लोगों को इसमें से कौन सी गाड़ी पसंद आ रही है, कौन सा कलर पसंद आ रहा है बेसिकली, आप वो कमेंट में बता सकते हो। लाइक कर देना, आपके लाइक में कुछ जा तो नहीं रहा है ना, आपसे मैं पैसे ले रहा, तो फटाफट लाइक कर देना गाइस। और आज का लाइक एम रखते हैं 1000 लाइक का। और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी ड्रीम कार कौन सी है और इनमें से आपको कौन से कलर की कार बढ़िया लग रही है। अरे यार गाइस देखते हैं इसके लिए कोई जगह है जहाँ पे इसका गेम बजा सकें। भाई यहाँ डू नॉट एंट्री का बोर्ड लग रहा, हम तो फिर भी एंट्री लेंगे, कोई खड़ा तो नहीं है भाई। यार ये वेलवेट पार्किंग वाला खड़ा है, कोई नहीं सीधे ले जाते हैं, मैंने कही मेरे को नहीं रुक पार्किंग करनी, मैं यहाँ से यू टर्न के चक्कर में मोड़ी है, गलती से इधर मोड़ गया। तो गाइस गाड़ी को यहाँ पार्क करते हैं और सीधा खुद के उधर साइड चलते हैं चुपचाप, कोई सुनसान सी जगह देखते हैं, इसका गेम बजाना है। मैं फटाफट जंप कर लेता हूँ, उससे कहता हूँ इधर आओ, यहाँ पे थोड़ा मेरा एक कार में बैग रखा है, तो उधर चलते हैं चुपचाप। इससे भी कहते हैं भाई दीवार कूद के आ जाओ, तो कह रहा मैं आ रहा हूँ कूद के दीवार, तो ये आ चुका है। तो मैनेजर साहब जरा इधर आना हमारे पीछे पीछे, यहीं से शॉर्टकट है हमारे ऑफिस का, वहाँ चलो वहाँ से तुम्हारा सारा पेमेंट कर देंगे। भाई यार ये तो ओपन एरिया है, इधर नहीं, सॉरी सर, भाई इसको धक्का मार के गिरा दिया। ओ भाई साहब, तो गाइस फटाफट चलते हैं अभी इधर कॉलर में और इसको लास्ट वार्निंग देते हैं, भाई आ जा भाग तो नहीं गया। हाँ मैं कह रहा पता नहीं धक्का मार दी तो गुस्सा हो गया। तो गाइस इसको भी वही लास्ट वार्निंग देते हैं, या तो मान जाओ चुपचाप गाड़ी दे दो, नहीं तो मेरे को गन निकालनी पड़ेगी। और ये कह रहा भाई गन क्यों निकाल ले हो। तो गाइस इसका भी गेम बजाना पड़ेगा, ये नहीं मानना है, लास्ट वन नहीं माना, इसका भी गेम बजा दिया। भाई ये डरा भी नहीं गन देख के, हो सकता है इसके पास भी गन हो, इसलिए मैंने इसका मत्था ही फोड़ दिया। यहाँ भाई किसी ने नहीं देखा, फटाफट चलते, हाईवे भी खाली था इस वक्त और इधर सीधे से तो नहीं लूँगा। उसने मैं वो जो पार्किंग वाला खड़ा है भाई, उसने देख लिया होगा ना तो बहुत लंबा झंझट हो जाएगा सीधा, इसलिए यहाँ से निकलते हैं चुपचाप। भाई क्या मस्त मोड़ता हूँ मैं गाड़ी वगैरह, सीधा यहाँ से लेकर निकल, ये देखना 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 भाई अंधो की तरह चल रहे हैं, अरे हट जाओ रोड पे कहाँ भाग रहे हो। तो गाइस फटाफट चलते हैं यहाँ से, ये देखो यहाँ के ड्राइवर भी, अरे भाई साहब तुम रुके रहो रेड लाइट पर, मैं सीधा गाइस आपसे घर पहुँच के मिलता हूँ। ऑल राइट गाइस पहुँच चुका हूँ मैं घर पे अपनी कार को बात हुए, जिमी क्या कर रहा भाई, और जिमी साइकिल चला रहा है ओके। तो गाइस सेकंड कार को लेके आ चुकी है अपनी, इसको भी पार्क करते गैराज में। भाई अपना गैराज तो आज फुल भर गया, गैराज नया लेना पड़ेगा, गैराज की क्या जरूरत, तो शोरूम है तो सही अपने लिए। ओके भाई साहब जिमी खुश हो गया कि भाई इतनी दो दो फॉर्च्यूनर लिया है आज। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ ये तीसरी वाली फॉर्च्यूनर लेजेंडर को लेने के लिए, वाइट कलर की मस्त लग रही है, तो फटाफट चलते हैं यहाँ से, इसको भी निकालते हैं। लोग सोच रहे होंगे भाई अरे यार बंदा बड़ा पैसे वाला, लगातार फॉर्च्यूनर और फॉर्च्यूनर निकाले जा रहा। और सीधा लेके चलता हूँ मैं घर, पहुँच के मिलता हूँ आपसे भाई, गाड़ी भगा के तो काफ़ी सही भाग रही है यार ये गाड़ी भी एक। तो ऑल राइट गाइस फटाफट पहुँच चुके हैं, इसको भी लगाते हैं गैराज में, आ जाएगी गैराज में, ओपन करके देखते हैं। गाइस जगह तो है ही नहीं,
सोच रहा हूँ यहीं पार्क कर दे रहा हूँ, फटाफट फटाफट पार्क करते सारी गाड़ी लेके आते हैं और फिर यहाँ पार्क करके आपको सारी गाड़ी एक संग दिखाऊंगा। तो ऑल राइट गाइस, फटाफट चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट कार की तरफ। को मैं आ चुका हूँ शोरूम में फिर से। यहाँ पे एक भाई लेडी बार बार चक्कर पे चक्कर काट रही है, देखता हूँ ये जासूसी तो नहीं कर रही हमारी। नहीं गाइस, वो अपना ऐसी वॉक कर रही थी। अब मैं सोचा कि अपनी ब्लैक वाली लेके जाऊँ या ये ग्रे वाली, तो मेरे हिसाब से गाइस ये ग्रे वाली ज़्यादा बढ़िया लग रही है। तो ये तो अल्वेश यादव की फॉर्च्यूनर का ही कलर है भाई। तो अल्वेश भाई, आपके 1001 गाड़ी के काफिले के लिए हम गाड़ी पे गाड़ी खरीद रहे हैं और आप लोग सोच रहे हो मैं लगातार गाड़ियाँ लेके जा रहा हूँ। और ये जो सब गाड़ियाँ ये लेस्टर के नाम पर रजिस्टर्ड करा दी थी हमने ऑलरेडी, बस हमें पेमेंट करनी थी। हम कह देंगे सारी भाई गाड़ी चोरी हो गई, हमें क्या पता। हो गाइस, मैं आ चुका हूँ लेके अपनी कार्स को घर पे। ये चौथी कार को भी पार्क करते हैं। और मैं ये कह रहा था कि हाँ, हमने सारी कार लेस्टर के नाम पर रजिस्टर्ड करा रखी है। भाई जिमी फिर जा रहा था कहीं, मैंने कहीं चल साइकिल लेके जा मेरे को, सीधा शोरूम पे ही पहुँच के मिलता हूँ आपसे। तो भाई मैं साइकिल चलाते चलाते सीधा शोरूम का गेट कांच ही तोड़ दिया। यहाँ पे थोड़ा एक्टिंग करते हैं कि गलती से ठुकाए हमसे, नहीं तो लोग सोचेंगे जानबूझ के तोड़ा है। भाई किसी ने देखा तो नहीं, पहले चेक कर लेते हैं गाइस यहाँ पे ज़रा खड़े होकर, किसी ने देखा तो नहीं, कोई देख तो नहीं रहा गाइस, फटाफट चेक करते हैं। नहीं गाइस, कोई नहीं देख रहा। तो अब अपनी ब्लैक वाली एक और फॉर्च्यूनर लेके चलते हैं अंदर से। भाई इसकी चाबी लगी हुई थी इसमें, अंदर वाली सारी गाड़ियाँ ओपन है, बस निकाल दिया। भाई क्या मस्त लग रही है, ब्लैक कलर की एकदम मस्त लगती है और वाइट कलर की। येलो में भी इतनी बढ़िया लग रही थी, बट यार ब्लू में ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रही, लेकिन लेके जाऊँगा उसे भी, उसको ट्रेवर को दे देंगे। और गाइज आप लोग सोच रहे हो कि हमने इतनी सारी फॉर्च्यूनर क्यों ऑर्डर कराई। मैं पहुँच चुका हूँ घर पर। तो मैं ये कह रहा था कि हमने इतनी सारी फॉर्च्यूनर इसलिए ऑर्डर कराई थी क्योंकि ट्रेवल लेस्टर और फ्रैंकलिन और मेरे को खुद को भी चाहिए थी भाई सारी गाड़ी। हमने चार ब्लैक में कराई थी, बट गाइस ब्लैक लॉक थी, वो ऑलरेडी बुक थी। और मैं आ चुका हूँ शोरूम पे फिर से। तो गाइस फटाफट ये ब्लू वाली भी लेके चलते हैं और फिर मैं आपको सारी स्टोरी बताऊँगा कि हमने आखिर क्यों चुराई हैं सारी अलग अलग कलर की कार्स। तो फटाफट निकाल दी है गाड़ी और सीधा लेके चलते हैं घर पे भाई। हाँ तो स्टोरी ये थी, क्योंकि सबको अलग अलग फॉर्च्यूनर चाहिए थी इसलिए हमने कई ब्लैक तो बुकड हैं सारी, दो ब्लैक मिल चुकी हैं हमें और बाकी अलग अलग कलर की जो रखेगा वो रख लेगा। तो गाइस फटाफट पहुँचते हैं घर पे, आ चुका हूँ गाइस अपनी लास्ट फॉर्च्यूनर को भी लेके घर पे और पार्क करते हैं इसको भी गैराज में। और यहाँ पे भाई मैं सोच रहा हूँ एक बार आपको सारी कार्स ना बाहर निकाल के दिखाऊँ, तो मैं सारी कार्स को एकदम ढंग से लगा देता हूँ बैक करके और फिर मैं आपसे मिलता हूँ, उतर जाता हूँ पहले, देखता हूँ किधर साइड लगाई जाए और फिर मैं आपसे सीधा मिलता हूँ लगा के सारी कार्स एक संग। गाइस यहाँ पे देखो कितनी मस्त लग रही है, येलो वाली, ब्लैक वाली, अपनी वाइट और एक ग्रे, ब्लू और एक पीछे ब्लैक और खड़ी है फॉर्च्यूनर लेजेंडर। भाई कितना मस्त लग रहा है ना माइकल का कार, इतनी महंगी महंगी कार्स खड़ी हैं एक संग। और गाइस आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना आपकी इनमें से कौन सी कलर की फॉर्च्यूनर लेजेंडर सबसे बढ़िया लग रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।